जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप अचीव कर सकते हो। समस्या ये नहीं है कि हम बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाते, समस्या है हम बड़ा सोच नहीं पाते, उस पर काम नहीं कर पाते। आज मैं आपके लिए एक ऐसी केस स्टडी लेकर आऊं, कैसे एक आदमी ने स्कूटर से बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी बना दी और कैसे उसने इतने सारे लोगों को हायर करा। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था वो, और आज उसकी डेथ हो चुकी है, अभी वो इस दुनिया में नहीं। बट कैसे उस आदमी ने, साधारण सा आदमी था, स्कूटर पे घूमता था, नमकीन बेचता था, कैसे हजारों करोड़ की कंपनी को क्रिएट करा। आज ये पूरी उसकी जर्नी आपके लिए लेकर आया हूँ। प्लस कैसे उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स थे, क्या वो प्लान करता था, क्या वो सोचता था। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आपको पैसा बनाना ना तो बड़ा सोचना बहुत जरूरी होता है। सुबह तो राय रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट किसी के पास था तो वो उसी के पास था। सुबह तो राय एक ऐसा आदमी था जो स्कूटर पर घूमता था, नमकीन बेचता था। उसको समझ में आया कि भैया जब तक मैं कंपनी स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज ये सब क्रिएट नहीं करूंगा, टर्नओवर्स नहीं लेकर आऊंगा, मैं बड़ा पैसा नहीं बना सकता। और एक नॉर्मल आदमी जो स्कूटर पर घूमता था उसने खुद की एयरलाइंस लॉन्च कर दी, एयर सहारा। फिर आने वाले टाइम में उसने 2001 से लेकर 2013 तक इंडियन टीम को स्पॉन्सर करा। इन द ईयर 2000 उसने सहारा वन करके अपना टीवी चैनल भी लॉन्च कर डाला, और न्यूयॉर्क में एक होटल था उसको बहुत पसंद आया, उसका 75% स्टेक उसने 4,500 करोड़ का खरीद डाला। मतलब हम लोग तो 5 स्टार में रुकने का सपना देखते होंगे कि भाई हम रुकेंगे कैसे, एक रात का किराया जो 20-25 हज़ार रुपये आम आदमी वो सोचता है, इस भाई ने तो 4,500 करोड़ का स्टेक ही खरीद डाला। वो ये सब क्यों कर पाया? देखो सुबह तो पहली चीज बहुत बड़ा सोचता था, उसका विजन बहुत बड़ा था कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने, बहुत जल्दी अमीर बनना है। बस एक गलती उससे हो गई, वो ये थी कि उसके पास कोई बिजनेस का मॉडल नहीं था। अब एक्चुअली क्या था कि उनका पूरा बिजनेस मॉडल था वो स्कैम के ऊपर चलता था कि 10 रुपये लाओ मैं 20 रुपये आपको दूंगा। लोगों के मन में लालच बढ़ा, लोग पैसे डिपॉजिट करने लग गए, ऐसे उसने पूरी चैन बना दी। ये एक चिट फंड का स्कैम का पूरा मॉडल था। अब वहीं पे धीरू भाई अंबानी की मैं बात करूं तो धीरू भाई अंबानी ने जो अपना बिजनेस मॉडल था वो एक रियल बिजनेस मॉडल था, वो भी बड़ा सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे। कितने लाइफ में उनके चैलेंज आता था, नेगेटिविटी आती थी। देखो धीरू भाई अंबानी के भी बिजनेस फेलियर्स हुए, बिजनेस पार्टनर छोड़ के चले गए, घर में समस्या आई, 2 साल उनकी वाइफ घर पे बैठी रही, मतलब अपने पियर चली गई। बट वो रुके नहीं, जैसे धीरू भाई अंबानी के लाइफ में प्रॉब्लम आती थी वो उसको पॉजिटिविटी के साथ डील करते थे और वापस बाउंस बैक करते थे, नई नई चीजें लेकर आते थे। उनको एक चीज पता थी कि ऐसा फाउंडर भाई मेरा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं चल रहा है, तो वो पान खाने चले जाते थे, चाय पीने चले जाते थे, 5 स्टार में जाके बैठ जाते थे, वहाँ चाय कॉफी पीते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, रात को रिलैक्स हो जाते थे। बट अगले दिन बंदा 10 गुना एनर्जी से वापस आता था विद पॉजिटिव माइंडसेट। देखो मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है, बड़ा बनना है ना, तो 99% आपकी स्किल्स मैटर करती है, बट 1% जो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आपका एटीट्यूड। अगर भैया मैं वो 1% का तड़का नहीं लगा रहा हूँ ना मेरे काम में, तो मैं बड़ी कंपनी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता हूँ। क्यों? अच्छे लोग जो होंगे वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। काफ़ी सारे CEOs फाउंडर्स मेरे वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करते हैं कि सर एम्प्लॉय नहीं टिकता है, अच्छी मैन पावर नहीं टिकती है, टीम बड़ी नहीं हो पा रही, 4 लोग तो हम झेल लेते हैं बट 40 लोग नहीं झेल पाते। भैया एक चीज़ समझो, फाउंडर को मोटिवेट होना, प्रोडक्टिव होना, इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आप बड़े टर्नओवर गोल्स पे जा पाओगे। आप छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग लगाओगे, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी ये ज़्यादा जा रही है, ऐसे हो रहा है, मेरा पैसा लग रहा है, बड़ा सोचना है, बड़े टर्नओवर गोल्स के लिए जाना है। भाई हेड ऑफ ऑपरेशंस को हायर करो, मैनेजर्स को हायर करो, उनको डेलीगेट करो, जिससे आप फोकस रख पाओ। इलॉन मस्क का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आज ही मॉर्निंग में, जब मैं 5 बजे उठा था तब उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भैया मेरा जो 80-90% टाइम है वो प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में जाता है। मतलब मैं टेस्ला की कार को बेटर कैसे करूं, स्पेस एक्स के जो इंजन से जो मैं स्पेशियस बना रहा हूं उनको बेटर कैसे करूं, जो मैं नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा हूं उनको बेटर कैसे करूं, तो मैं प्रोडक्ट के डिजाइनिंग के ऊपर हफ्ते में 80% टाइम को स्पेंड करता हूं। अब ऐसा फाउंडर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर रहा है, ना वो अकाउंट्स देखता है, ना वो हायरिंग देखता है, ना वो डेली के ऑपरेशंस देखता है, वो देखता है प्रोडक्ट को बेटर कैसे करना है। तो उसने अपने माइंडसेट को बहुत क्लियर रखा है। देखो प्रोडक्टिविटी हैक्स में आपको ऐसा CEO बताऊं, तो सबसे पहली चीज मेक अ CEO's ऑफिस शीट। आपके पास शीट है या नहीं है आज ही चेक करो, एक्सेल शीट बनाओ कि डेट ये रही, काम ये रहा, डेलीगेट किसको करा, उसका नाम ये रहा और करना क्या है, और उसके आगे डेडलाइन डालो डेट वाइज कि भैया ये काम मुझे आज चालू करा है, काम ये था, डेलीगेट एक्स वाई जेड आदमी को आपने अपनी कंपनी में करा है और इतने डेडलाइन में कंप्लीट होना है। उनको मार्किंग देना चालू करो कि कितने टाइम में मैंने काम को इनिशिएट करा, कितने टाइम में वो कंप्लीट हुआ, मेरी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी उस काम में। एज अ CEO आपके पास 1,000, 500, 2,000 काम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कामों को लिखो अपनी CEO's ऑफिस शीट बनाओ, डेलीगेशन समझो। दूसरा, सीखे नोट्स तैयार करो अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, अपनी वर्क प्लेस में, सो दैट आपका माइंड खाली हो, जो भी थॉट आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, चीज़ आ रही है, सबके माइंड में आती है,
उनको लिखना चालू कर दो, माइंड को एम्प्टी कर दियो। अब लिख दिया, अब जब मेरे को याद आएगा, वापस रिमाइंडर आएगा, तब मुझे एग्जीक्यूट करना है। तीसरी चीज, अपने लीडर से आउटपुट लेना। देखो आपको है ना, अपनी कंपनी में अगर 50 लोग है तो 50 लोगों पर एकदम फोकस नहीं करना है, आपको 2-3-4 लोग पकड़ने जो उन 50 लोगों के ऊपर है, उनके ऊपर फोकस करना है, उनके डंडा करना है, उनकी सैलरियाँ 10x होनी चाहिए बाकी लोगों से, और उनके आप पीछे पड़ो ना कि मुझे आउटपुट ला के दो, नंबर्स ला के दो, नंबर्स बढ़ाओ, उनको मदद करो, उनसे डिस्कस करो, आप डेली चेक करो 1-2 दिन में कि भैया ये कैसे इनपुट दे रहे हैं। देखो जो एम्प्लॉय जो टॉप में बैठा हुआ है, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो डेफिनेटली उसके पास बहुत अच्छे फीडबैक्स होंगे कंपनी के लिए। बट किसी एम्प्लॉय के पास अगर फीडबैक ही नहीं है, मतलब उसने काम ही नहीं करा, उसने कभी सोचा ही नहीं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी के बारे में सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको फीडबैक की मीटिंग्स में अपने आप समझ आएगा। भाई अगर आज कोई कुछ बोल रहा है, किसी बच्चे ने तैयारी करी है, होमवर्क करा है, तभी तो वो स्कूल में जाके कुछ बोल पाएगा। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी, होमवर्क नहीं करा, तो उसका बोलने का वह स्कोर ही 0 हो जाएगा, फालतू फालतू की बातें करेगा। सेम विद एम्प्लॉय, अगर उसने वर्कआउट करा है, सोचा है, मेहनत करी है, तो डेफिनेटली उसके फीडबैक्स अच्छे होंगे, नहीं है तो फीडबैक्स बेकार होंगे। और देखो बड़ा बनना है, पैसे कमाने ना, तो सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल, ग्रोथ माइंडसेट। एक हमारे आसपास दोस्त होते हैं, मेरे भी थे, जो चटर पटर होते हैं, फालतू की बातें करते हैं कि ये लड़की उसके साथ भाग गई, इस लड़की का उधर अफेयर चल रहा है, ये मूवी अच्छी चल रही है, फ़ोन अच्छा चल रहा है, ये सारे फालतू की बातें हैं। प्रोडक्टिव माइंडसेट की बातें होनी चाहिए, प्रोडक्टिव माइंडसेट की बातें बहुत मैटर करती है लॉन्ग रन के अंदर, कि भैया आपके जो आसपास के लोग हैं वो पैसों की क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और बिजनेस क्लास में घूमना जरूरी है। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अमीर बनना है, बड़ा बनना है, 5-स्टार होटल्स में जाओगे वैसे लोग मिलेंगे, बिजनेस क्लास में मैंने देखा नेटवर्किंग के लिए वही लोग मिलते हैं जो आगे पैसा कमाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। बिकॉज देखो एक फ्लाइट जो जयपुर से बैंगलोर जा रही है, मुंबई जा रही है, जिसका किराया 3-4 या 5 हज़ार है, मैं बिजनेस क्लास का 32,000 रुपये तक जाता है वन साइड का, या 15-20,000 रुपये तक जाता है, तो एक्स्ट्रा 4x या 5x कौन पे करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा उसके पास है जिसने पैसा कमाया है। उन लोगों से आप नेटवर्किंग करोगे, बात करोगे, आपके नेटवर्क्स बढ़ेंगे, माइंडसेट बढ़ा होगा, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। और आप सोच रहे होंगे भैया अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, कोई एम्प्लॉई इस वीडियो को देख रहा है, तो एक चीज़ समझिए, आप अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय बनो, ऐसे एम्प्लॉय बनो, ऐसा काम करो कि आपसे कुछ फाउंडर पूछे, आपका मैनेजर पूछे कि भैया तेरे को क्या चाहिए, ऐसा काम करके दिखाओ। देखो बंदा प्रोडक्टिव होने से मैटर होता है, ना कि कौन सी प्लेस पे वो बैठा हुआ है। अब गूगल का CEO है, उसकी तनख्वाह 2-3 हज़ार करोड़ रुपए है, अगर मैं गूगल के CEO पे भी नहीं जाऊँ, जो उनके टॉप हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं इंडिया के, इनकी तनख्वाह 1-2 करोड़, 3 करोड़ तक होती है, ऊपर से 1.5-2 करोड़ का इंसेंटिव उठाते, क्यों? वो कंपनी का आउटपुट दे पा रहा आदमी, तो आपका प्लेस मैटर नहीं करता कि आप फाउंडर हो, CEO, एम्प्लॉय क्या हो, आप मैटर करते हो कि भैया आप सोच क्या रहे हो, आप वर्किंग कैसी दे रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आगे बढ़ने वाला है, डल एटीट्यूड है, या फिर पीछे हटने वाला कि भैया मैं तो नेगेटिव एटीट्यूड का आदमी हूँ, मैं बस ये सोचता रहता हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे, बट पूरा दिन मैं डल रहूँगा, मैं ये शाम को सोचूंगा, सुबह सोचूंगा कि यार मैं 1 लाख कमा लूँ, मैं मर्सिडीज ले लूँ, नहीं। बट अगर आपका एटीट्यूड मॉर्निंग में पॉजिटिव है कि भैया मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आज पैसे कमाने हैं, और मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सुबह 6 बजे उठ सकता हूँ और हार्ड वर्क कर सकता हूँ, 12-15 घंटे मैं यंग एज में काम कर सकता हूँ, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर फ्रेंड्स आपके बिजनेस में कोई इशू आ रहा है, आपको पता नहीं है कि सिस्टम प्रोसेस ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे पास कंसल्टेंट की टीम है जो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, या कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी अपने बिजनेस की प्रॉब्लम समस्या हमसे पूछ सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे से और कनेक्ट होना है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हम लोग जैसी ऐसी वीडियो लेकर आएँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग होते हैं पेरेंट्स, सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।